हम लोग उसको ये 90 डिग्री पे क्यों नहीं होगा, दैट वाज द क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट इट विद यू, ये क्वेश्चन हमने छोड़ रखा था। अब उसी से हाँ आगे सर, चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और जब उससे आगे चलेंगे तो उसमें फिर हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ से उसी को इलेबोरेट करना है। बट बिफोर इलेबोरेटिंग कि एंगल जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री ही होगा या और समथिंग एल्स, और समथिंग एल्स, सो बिफोर डिस्कसिंग दैट समथिंग एल्स, तो बिफोर इसके डिस्कशन से पहले हम लोग एक बार बात ये स्थिर करते हैं, कार्बन तो हमने देख लिया यहाँ पर, व्हाट विल हैपन टू बोरोन, बोरोन में कैसी बॉन्डिंग होगी, सिमिलरली कार्बन में हमने देख ही लिया यहाँ पर, देन व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फ्लोरीन, एंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फास्फोरस, एंड व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ क्लोरीन। तो हमें इन सारे एलिमेंट्स के बारे में सिंपल मतलब ये देखना है कि इनकी बॉन्डिंग का जो पैटर्न है वो किस तरह से बॉन्डिंग होगा, कितने बॉन्ड्स बनाएंगे ग्राउंड स्टेट में, कितने बॉन्ड्स बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, एंड देन वंस वी आर ओवर विद दैट, उसके बाद मैं दोबारा से आपको ले चलूंगा कि एग्जैक्टली जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री ही रहेगा या कुछ और होगा। सो दैट इज व्हाट आर पार्ट ऑफ डिस्कशन। सो व्हेन आई लुक ओके एट दिस सर, बोरोन, यस, पहला टास्क मेरे पास ये है कि बोरोन की हमने कार्बन तो हमने देख ही लिया था, बोरोन मैं अभी बता रहा हूँ, फिर आप नाइट्रोजन का खुद से आप ट्राई करना। सो नाउ इन दिस केस व्हेन आई हैव टेकन बोरोन, सो दिस बोरोन हैज 5 इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर 1s2 2s2 2p1 एंड देयरफॉर वी कैन राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें हमारे पास, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली व्हाट 2s2 वन, 2p1 ये है। सो व्हेन वी हैव दिस हाँ 2s2 2p1 तो ग्राउंड स्टेट में लिखा है यहाँ पर, तो दिस इज योर 2s2 2p1 है, ये वाला ऐसे लिख लिया और ये वाला 2p1 में हमने ऐसे डाल दिया। सो वी कैन से नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड वुड बी, हमने क्या पढ़ा था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते उतने हैं, ही बॉन्ड्स बनेगा, सो दिस इज इट इज वन। अब यहाँ पर लेकिन मैं यदि एक्साइटेड स्टेट में लेके चला जाऊँ इसको, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल बी लाइक दिस, थ्री कुछ ऐसा ये बन जाएगा, यानी एक दो तीन यहाँ पर, ये एक और ये दो, एक और यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, एंड सो वी आर लेफ्ट विथ थ्री, सो थ्री बॉन्ड्स बनेगा, तीन बॉन्ड हम लोग बनाएंगे बच्चा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हमें ध्यान रखनी है, देखना है, समझना है, उसको याद रखना है, और वो बात ये है कि हमारे पास इसमें एक खाली पी ऑर्बिटल है ये वाला, सो दिस वन इज वेकेंट प्लस वन वेकेंट पी ऑर्बिटल, वन वेकेंट पी ऑर्बिटल। बच्चा इसको ना बहुत बढ़िया से बिल्कुल बाय हार्ट में याद होना चाहिए, तीन बॉन्ड मतलब कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, यानी एक डब्बा खाली, वेकेंट पी ऑर्बिटल मींस एक डब्बा इसका खाली है, एक डब्बा खाली है, डब्बा खाली खाली है। है। सो यू मस्ट रिमेम्बर कि तीन बॉन्ड तो बनाएगा बोरोन, लेकिन साथ में हाँ उसके साथ एक वेकेंट पी ऑर्बिटल भी होगा, एंड देयरफॉर वी कैन से इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यस, देयरफॉर वी कैन से दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ऑक्टेट, जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। सो हाँ द कंक्लूजन ऑफ द मैटर इज व्हाट, कंक्लूजन ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि इन केस ऑफ बोरोन ग्राउंड स्टेट में इट हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म मैक्सिमम वन बॉन्ड, तो इससे बात बिल्कुल ही बनेगी ही नहीं, बहुत ही बेकार सी बात है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ये खुश हो नहीं सकता, चार ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये स्टेबल नहीं होता है। देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन गोज टू एक्साइटेड स्टेट, एंड इन एक्साइटेड स्टेट इट हैज थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन फॉर्म थ्री बॉन्ड विद वन वेकेंट पी ऑर्बिटल, एंड सो इट इज ओवरऑल इट इज फॉर्मिंग 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्लस वन वेकेंट पी ऑर्बिटल, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट बैंड, देयर फोर दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ड्यू टू इट हैज वन वेकेंट पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल खाली है इसलिए डब्बा खाली है, डब्बा खाली है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है। सो दैट्स वे वी कैन रिमेम्बर कि जो भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, बोरोन इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स, सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म नॉर्मल कंपाउंड जो बनाते हैं, इन जनरल वी कैन से ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट
और इन जनरल उनका जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है. दिस वी नीड टू रिमेम्बर अबाउट दिस वन. सो प्लीज गो थ्रू दिस, अंडरस्टैंड दिस एंड देन विल. सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन व्हाट वी हैव सीन इज नाइट्रोजन 7 है यहाँ पर, तो ग्राउंड स्टेट में 2s है, 2p है. सिंस दिस इज सेकेंड शेल है यहाँ पर, तो 2d पॉसिबल नहीं होता, तो 2d है ही नहीं हमारे पास. सो इन दिस केस नो एक्साइटेड स्टेट, और यदि मैं एक्साइटेड स्टेट भेजू भी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा. सो अल्टीमेटली देयर वुड बी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक और ये दूसरा और ये तीसरा, या फिर 1, 2 और ये 3 हमारे पास है. मिक्स भी कर दे तब भी हमारे पास ऐसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. सो इट वुड बी फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस 1 लोन पेयर, ये वाला हमारे पास लोन पेयर है. सो दिस इज इट इज हैविंग, तो यहाँ पे कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया. Since this is 8 electron system and one lone pair present hai, therefore we call it electron rich. 8 electron system plus one lone pair, including of lone pair, one lone pair bhi hai isme. So we can say therefore this is acting as electron rich. Isliye kya hai hamara, electron rich kehlata hai. So we are calling this electron rich. Now the next one is oxygen. So when it comes to oxygen, oxygen is having 8 electrons, and so electronic configuration of oxygen would be like this, which aise uska likh sakte hain hum log. Oxygen is having something like this one. Oxygen humne liya, so oxygen is O8. So when I write O8, so this is 1s2, 2s2, 2p4, and so here again valence electron 2s2, 2p4 hai. So we can say do electron yahan par. और ये 2p4 है, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4. Now this is again we can write here we have only 2 unpaired electrons. हमारे पास कुल मिला के ये 2 unpaired electrons हैं, so we can say 2 unpaired electron, 2 unpaired electron. Therefore 2 bonds, 2 bonds मतलब 4 electron हो गए यहाँ से, and 2 lone pair हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है. 2 lone pair मतलब फिर से हमारे पास क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 लोन पेयर, देयरफॉर दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये वाला. तो किसी भी कंपाउंड में यदि ऑक्सीजन है तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा. नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन. सो व्हेन आई टेक फ्लोरीन, सो इन दैट केस फ्लोरीन वाले केस की हम लोग बात करें तो फ्लोरीन हमें ये दिखाई देता है फ्लोरीन 9. सो व्हेन इट इज फ्लोरीन 9 है, that means 1s2, 2s2, 2p5. So we have 1s2, 2s2, 2p5, 4, 5, 9 ho gaya. Yani we can write it like this, ye 2 electron idhar aur 5 electron hume yahan pe place karne hain. So 1, 2, 3, 4 aur ye 1, 5. So only one unpaired electron. Isme 2d hai kya? 2d again, not possible. 2d का कोई मतलब नहीं है. So no excited state, nothing else. उससे कुछ होना ही नहीं है यहाँ पर. So one unpaired and therefore one bond मतलब 2 electron हो गया, and 3 lone pairs. 3 lone pair मतलब कितना हो गया, 6 electron है. Total 8 electron हो गया, और हमारे पास क्या है इसमें, 3 lone pair है, 8 electron and 3 lone pair की हम लोग बात करें total में. Therefore this is again electron rich है ये वाला. So that is how we can predict whether it is electron rich or not. Second, is there any vacant d orbital? No vacant orbitals. No vacant orbitals. No vacant orbital. Is vacant orbital ki bachcho mahima badi pyari hai, badi nyari hai. Kaise nyari aur pyari hai, wo log dekhenge aage ki kaise ye vacant orbital hone se aur nahi hone se kaise fark pad jata hai. That we'll explore but later on. So now the next question in this series is phosphorus and सल्फर एंड देन क्लोरीन. तो फास्फोरस के केस में क्या होगा, हमें इस चीज को एक्सप्लोर करना है. जस्ट ट्राई इट आउट, फास्फोरस केस में क्या क्या चीजें होंगी. सो व्हेन आई हैव टेकन दिस वन फास्फोरस 15, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. सो व्हेन आई से दिस वन, सो इन दिस केस वी हैव आउटरमोस्ट शेल इज थर्ड शेल. थर्ड शेल हमारा आउटरमोस्ट शेल है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर लाइक दिस वन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. यहाँ पर 3s2 लिखा हमने यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p3 हमने लिखा यहाँ पर, ये 3p3 हो गया. 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3, ये ग्राउंड स्टेट है ठीक. और 3d में खाली है,
दिस इज डब्बा खाली है, दिस इज वेकेंट. ओके वेकेंट डी थ्री डी ऑर्बिटल्स. ठीक. सो नाउ दिस इज इन ग्राउंड स्टेट. सो व्हेन यू सेंड इट टू एक्साइटेड स्टेट, सो दिस कैन गो टू द नेक्स्ट वन दैट इज. तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, थ्री अनपेयर्ड, देयरफॉर थ्री बॉन्ड्स एंड वन लोन पेयर, वन लोन पेयर, थ्री बॉन्ड्स मतलब छह इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां से दो इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल एट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. ठीक. इन दिस केस व्हाट विल हैपन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, तो यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन तो हमने यहाँ पे ये ले रखा है, फिर यहाँ पर ये तीनों के तीनों ऐसे रह गए, ये एक दो और ये तीन बन गया, और ये डी में भी चला गया, डी में जाने के बावजूद भी इसमें अभी भी खाली है. सो वी कैन से दिस हैज हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइव, हैज फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से फाइव बॉन्ड्स. पांच बॉन्ड का मतलब है कितना, यहाँ पर पांच, दस, दस इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर. सो दिस इज मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर. सो दिस हैज मोर देन एट इलेक्ट्रॉन, मोर देन एट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हाइपर वैलेंट. हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर वैलेंट मतलब मोर देन ऑक्टेट से ज्यादा है, सो वी आर कॉलिंग दिस हाइपर वैलेंट. इसने फॉर्म कर लिया, बट इट स्टिल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, यानी डब्बा अभी भी इसमें भी खाली है. बच्चों याद रखना, डब्बा खाली है, डब्बा खाली है, ये हमें याद रखना है, डब्बा इसका अभी भी खाली होगा. एंड सो लेट्स डू इट फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन मतलब कौन सा हो गया, फॉस्फोरस है. सो लेट अस डू इट फॉर सल्फर के लिए, अब इसको ट्राई करके देखो. बट बिफोर डूइंग दैट एक बार क्विकली हम रिव्यू करें इसको, कि हमने इसमें क्या क्या किया है. नंबर वन, पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, and we have to focus on the outermost shell, any third shell hai 3s2 3p3, so 3s2 3p3 likha, to 3s2 3p3, since it has vacant d orbital hai, and so we are writing it in this way. Teen unpaired electron likha, in this case ground state mein ye wala ho gaya. So teen unpaired matlab teen bond, 6 electron, ek lone pair, lone pair yahan pe aa gaya, 8 electron ban gaya yahan par. In this case excited state mein leke chale gaye, to ye wala 5 ban gaya unpaired electron, 5 bonds hai, 10 electron ho gaya. And then, therefore, we can say more than 8 electron है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया hypervalent. तो यही चीज यदि मैं इसमें boron वाले की केस हम लोग बात कर रहे थे, तो यदि हम लोग boron वाला केस की बात करें, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? वहाँ पर हमारे पास जो electrons बन रहे थे, we have only how many bonds? We have only 3 bonds. तो जब 3 bonds incomplete octet था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Hypovalent बोलते हैं. This is called hypovalent, यानी electron deficient है. So we can say boron is forming hypovalent. Hypovalent. Hypo. Okay. Hypovalent. Yani less than 4 से कम हो गया, octet पूरा नहीं है, so we are calling it hypovalent. And now it is the next one is, अब हमें क्या करना है, इसको सल्फर के लिए अप्लाई करना है. And so let us apply for sulfur. यानी सल्फर में कितने हैं? 16. So let us do it for sulfur 16. S16. Now carry out this one. So let me do it for you. So when I say this is sulfur 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Now again considering this one, so 3s2, 3p4 लिखा हमने यहाँ पर, ये दो इलेक्ट्रॉन. 3p4 में हमारे पास एक दो तीन चार, ये एक दो और ये तीन चार हमने कर दिया यहाँ पर 3p4. Now 3d is vacant. 3d हमारा ये खाली है. So this is 3d vacant है. ये 3p हो गया, ये 3s हो गया. ये ग्राउंड स्टेट था. तो ग्राउंड स्टेट में हम कहेंगे तो यहाँ पे दो दो बॉन्ड पेयर बनेगा, दो बॉन्ड पेयर है यानी चार इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, वन लोन पेयर. सो वी कैन से सॉरी दो लोन पेयर है यहाँ पर, दो लोन पेयर, एंड देयरफॉर वी कैन राइट अनदर फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज देयर, एंड दिस वी कैन से हियर दिस केस इट वुड बी फोर इलेक्ट्रॉन, टोटल एट इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास. एंड सो दिस इज, और दो लोन पेयर है ही, इलेक्ट्रॉन एच हो गया. इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हम लोग बात करें, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हियर इट इज, ये वाला हमारे पास ये ऐसे आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कर देना यहाँ पर. जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वाला ऐसे लिया,
ये यहाँ, अब ये एक एक्साइट होकर के डी वाले में पहुंच गया। जब ये डी वाले में पहुंच गया इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि अब इसके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सो वी कैन राइट हियर फोर बॉन्ड पेयर, यानी कुल मिला के आठ इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, सो इट इज अगेन टू इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन रिच है। Then it is second excited state में क्या होगा, second excited state, and so in that case ये 1s से भी electron, 3s वाला electron है, ये भी d में चला जाएगा, and therefore you will have this one, ये एक दो और ये तीसरा यहाँ पर, and we have got this one, ये एक ये दो और ये ऐसे बन गया, तो कुल मिला के एक तीन चार दो छह, तुम्हारे पास कुल मिला के यहाँ पर 6 bond pair, जैसे SF6 बनता है, इसमें 12 electron हो गया, so we can say This is again hypervalent है। तो ये और ये दोनों ही क्या होंगे, hypervalent का example है। This is hypervalent, hypervalent, but still it can accept electron because it has vacant d orbital. So remember, जहां कहीं भी sulfur होता है, तो sulfur में vacant d orbital present होता है in all type of compounds. So this sulfur has डब्बा खाली है, यानी it has vacant d orbital, vacant d orbital. तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें d orbital यहाँ पर खाली है, इसको हमें याद रखना है, और इन जनरल हम लोग देख सकते हैं इसको और आगे चेक करेंगे विद क्लोरीन के साथ, सो ट्राई दिस विद क्लोरीन यहाँ पर, सो व्हेन आई से दिस इज 17 Cl हो गया हमारे पास, सो ग्राउंड स्टेट हैज वन बॉन्ड पेयर एंड थ्री लोन पेयर, जब आप इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो हमारे पास थ्री बॉन्ड पेयर आएगा और दो लोन पेयर हो जाएगा, then 5 bond pair hai aur ek lone pair, fir 7 bond pair, 0 lone pair, so from that we can see, but and all of these will have vacant d orbital, so effectively we can say isko hum log aise samajh sakte hain ki jaise hi period number 3 se hum log 3 aur 3 se zyada jaate hain, un sare cases mein in sab ke paas vacant d orbital hota hai, so remember this one, this is very 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 important ki second period element mein to nahi hoga, लेकिन जैसे ही थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट्स हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, इन सब में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर, राइट। So this is what we have seen here. इससे आगे की बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में, because